मैं साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं सांची स्तूप का इतिहास और कुछ रोचक बातें। सांची स्तूप बौद्ध स्मारक है जो कि 3री शताब्दी ईस्वी सन पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के है। यह स्तूप एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो भोपाल शहर से लगभग 46 किमी दूर मध्य प्रदेश के सांची गाँव में स्थित है। यहाँ 3 स्तूप है और ये देश के सर्वाधिक संरक्षित स्तूपों में से एक है। सांची 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईस्वी सन पूर्व में बनाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। इसका निर्माण कार्य का कारोबार अशोक महान की पत्नी देवी को सौंपा गया था जो विदिशा के व्यापारी की ही बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान और उनके और सम्राट अशोक महान के विवाह का स्थान भी था। यह प्रेम शांति विश्वास और साहस के प्रतीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। सांची के स्तूप दूर से देखने में भले मामूली अर्धगोलाकार संरचनाएं लगती है लेकिन इसकी भव्यता विशिष्टता व बारीकियों का पता सांची आकार देखने पर ही लगता है। इसलिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में बौद्ध मतावलंबी पर्यटक शोधार्थी अध्येता इस बेमिसाल संरचना को देखने चले आते हैं। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ जिसे ईसा पूर्व 3री सदी से 12वीं सदी के मध्य में माना गया है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझा कर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्से को उनमें वितरित कर समाधान किया। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और इस प्रकार गौतम बुद्ध के निर्वाचन के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। सांची का स्तूप का इतिहास। यह प्रसिद्ध स्थान जहां अशोक द्वारा निर्मित एक महान स्तूप जिनके भव्य तोरण द्वार तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी भारत की प्राचीन वस्तुकला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में है। बौद्ध की प्रसिद्ध ऐश्वर्यशालिनी नगरी विदिशा के निकट स्थित है। ऐसा लगता है कि बौद्ध काल में सांची महानगरी विदिशा की उपनगरी तथा विहार स्थली थी। सर जॉन मार्शल के मत में कालिदास ने निजगिरी नाम से जिस स्थान का वर्णन मेघदूत में विदिशा के निकट किया है वह सांची की पहाड़ी ही है। कहा जाता है कि अशोक ने अपनी प्रिय पत्नी देवी के कहने पर ही सांची में यह सुंदर स्तूप बनवाया था। देवी विदिशा ने एक श्रेष्ठी की पुत्री थी और अशोक ने उस समय उससे विवाह किया था जब वह अपने पिता के राज्यकाल में विदिशा का कुमारामात्य था। वास्तविक ईंटों के स्तूप को बाद में श्रृंगार के समय में पत्थरों से ढका गया था। अशोक वादना के आधार पर ऐसा माना गया था कि स्तूप को 2री शताब्दी में कहीं कहीं पर तोड़ा फोड़ा गया था। शुंगा साम्राज्य के विस्तार को लेकर ऐसा माना जाता है कि शुंगा के सम्राट ने पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्य साम्राज्य का सेनापति बनकर उसे अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने ही वास्तविक स्तूप को क्षति पहुंचाई थी। आइए जानते हैं सांची स्तूप के बारे में कुछ रोचक तथ्य। कुछ लोगों के अनुसार स्तूप के देखने के लिए आने वाले विदेशी लोग भी बुद्धा के भक्त हो जाते हैं और उन्हें पूजने लगते हैं। बौद्ध स्तूप पर कई प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं। भारत में सांची का स्तूप ही बेहद प्राचीन माना जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह एक पावन तीर्थ के ही समान है। सांची के स्तूप शांति पवित्रतम धर्म और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। यह स्तूप एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। इसके चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ बालू प्रस्तर के बने 4 तोरण स्तूप के चतुर्दिर्ध स्थित है जिनके लंबे लंबे पट्टकों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित विशेषतः जातकों में वर्णित कथाओं या मूर्तिकारी के रूप में अद्भुत अंकन किया गया।
इस मूर्तिकारी में प्राचीन भारतीय जीवन के सभी रूपों का दिग्दर्शन किया गया है। मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के जीवंत चित्र इस कला की मुख्य विशेषता है। सरलता, सामान्य और सौंदर्य की उद्भावना ही सांची की मूर्तिकला की प्रेरणात्मक शक्ति। बुद्ध स्तूप सांची इस मूर्तिकारी में गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि उस समय तक बुद्ध को देवता के रूप में मूर्ति बनाकर नहीं पूजा जाता था। स्तूप शब्द संस्कृत व पाली से निकाला माना जाता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। आरंभ में केंद्रीय भाग में तथागत के अवशेष रख उसके ऊपर मिट्टी पत्थर डालकर इनको गोलाकार आकार दिया गया। इनमें बाहर से ईंटों व पत्थरों की ऐसी चिनाई की गई ताकि खुले में इन स्तूपों पर मौसम का कोई प्रभाव न हो सके। स्तूपों में मंदिर की भांति कोई गर्भगृह नहीं होता। अशोक द्वारा सांची में बनाया गया स्तूप इससे पहले के स्तूपों से विशिष्ट था। सांची के स्तूपों के समीप एक बौद्ध मठ के अवशेष है, जहां बौद्ध भिक्षुओं के आवास थे। यही पर पत्थर का वह विशाल कटोरा है, जिससे भिक्षुओं में अन्न बांटा जाता था। यहाँ पर मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन व गुप्तकालीन अवशेषों सहित छोटे बड़े कुल 4 दर्जन संरचनाएं हैं। तो देखते रहिए MNS News Live। धन्यवाद।